हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लोरेंसी विद एके। सो आज आ रहे हैं हम सैटरडे मार्केट, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। 1 2 3 4 येलो ग्रीन गाइस, टू किड्स आर फाइटिंग येलो। Give one to Chachi, please. Sharing is caring. Give one. Okay, thank you. What do you want to open? Seat belt? No. Not so good. We have Saturday market for chuke hai. So basically, Saturday market yahan pe har Saturday ko lagti hai. Farmers directly apna crops, fruits, vegetables yahan pe directly sell karne ko leke aate hai. So we are there in Saturday market. See the crowd. लोग सारा fresh vegetables और fruits इधर से ही ले जाते हैं। आज तो हम थोड़ा लेट आए हैं, तो मोस्टली चीजें खत्म हो गई। हम आए हैं 12 बजे और ये सैटरडे मार्केट यहाँ पे 7 बजे से शुरू हो जाती है, तो मोस्टली चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। तो जैसे यहाँ पर इतने सारे वेजिटेबल्स लोग, मतलब अपने फार्मर्स अपने सारे सब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपने देखे हैं जो लोग लेके आते हैं, ऐसे यहाँ पर लोग एग्स भी लेके आते हैं। अगर हम इसको अपने सुपर मार्केट से कंपेयर करें ना प्राइसेस को, तो आई थिंक यहाँ पर थोड़े ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली चीजें यहाँ पर कैश पे आपको लेनी पड़ती हैं। और एकदम ऑरेंज हुआ हुआ है। अच्छा भी नहीं है ना, हमें लेना है आज कोरिएंडर, स्पिनच और करी पत्ता तो है हमारे पास ऑलरेडी, हमारे पास और आलू और प्याज का हमें वो फुल वो लेना है। पूरे मंथ के लिए हम पूरा एक साथ लेके जाएंगे, तो फुल कट्टा लेके। सब्जियां तो हमने वैसे इस बार ऑलरेडी सुपरमार्केट से ले ली थी, और जिससे हमने 10 कुछ वो दिया था टैक्स, पर यहाँ पर टैक्स वैक्स नहीं है, पर यहाँ ज्यादा लोग कैश ही एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ फार्मर्स लेके आते हैं, तो फार्मर्स यहाँ पे डायरेक्टली डील करते हैं। यहाँ पर स्पिनच और ये न्यूजीलैंड के हर एक एरिया में ये फार्मर्स मार्केट लगते हैं। आई थिंक यही वाले मूव होते हैं, जैसे अगर आज ही हमारे यहाँ लोअर हट में लगे हैं ना, तो ये कल अब वहाँ जाएंगे एवलॉन, फिर नाइन नहीं, हाँ यही वाले जाते हैं शायद, और वेलिंगटन भी जाते हैं, ये भी अलग हो। अच्छा, आज आलू और प्याज तो हम तो रेड है। आज तो एप्पल भी बहुत ज़्यादा वो हैं लो प्राइस पे, 3.98। और वाटरमेलन 7। सुनो, पाइन एप्पल ले लेते हैं, फ्रेश फिश वगैरह अगर किसी को चाहिए हो यहाँ पर। ये तो आई गेस नागा चिली बातों क्या है, ये बातों, ये साग वाला बात जिसके परांठे परांठे बने थे। ओके, खरीदते जिसको भूख लग जाए उनके लिए यहाँ सामने ये ट्रक्स, फूड ट्रक्स लगे हैं, तो वो अपना सकते हैं मस्त। और यहाँ पे हमारे पे सीगल्स भी आ चुकी है, उनको कुछ खाने के लिए मिल गया होगा, तो वो भी क्यों पीछे रहे। सो वी हैव द मेन्यू हियर हैंड रिटन और बिल्कुल ही फ्रेशली। ओह माय गॉड, कितनी बड़ा ही मूली है, $18 की है ये। ऐसा लग रहा है कोई लोग ने भी पुश अप कर। आज यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग अनियन, सॉरी मेरे को तो नाम ही नहीं पता भाई, बुरे हाल है मेरे। ये स्प्रिंग अनियन बहुत ही सस्ते, अदरवाइज ये $5 और $6 के थे, आज $1 के तो ले लिया हमने। लुक एट द मूली।
बाद यहाँ पे ना प्राइस भी वेरी करते हैं, हर एक काउंटर पे एक अलग अलग तरह के प्राइस है, तो हम उसको मतलब अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं और हमें जो बेस्ट सूटेबल प्राइस लगता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली बाइक ले सकते हैं, क्योंकि वो फार्मर्स की चॉइस होती है कि उनको किस तरह के प्राइस लगाने हैं। आई विश इस टाइप का कुछ मार्केट इंडिया में भी हो, लोग अपना सामान डायरेक्टली कस्टमर्स को अपने रेट्स के अकॉर्डिंगली फिक्स कर पाए, ताकि फार्मर्स भी अच्छा प्रॉफिट कर पाए और कंज्यूमर्स भी डायरेक्टली फार्मर्स से खरीदे, तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। थैंक यू। उसको देख के वो हम जो पहाड़ में वो विंटर्स में ऐसे कद्दू बॉईल करके खाते हैं, तो मुझे वो याद आ गया। मेरे सब्जियों से थोड़ा कम लेना देना है, पता नहीं मैंने कभी ज़्यादा ये सब्जी सुब्जी खरीदी नहीं है, मैं इंडिया में भी डायरेक्ट ऑनलाइन ही ऑर्डर करती रहती थी, तो मुझे यहाँ ज़्यादा समझ नहीं आता, तो मैं सिर्फ दिखा रही हूँ आप लोगों को कैसे कैसे। तो जो मेरे साथ आगे कावेरी और रोहित ये सब परचेज कर रहे थे, मैं तो बस वीडियो में ही लगी पड़ी हूँ। कितना कलरफुल दिख रहा है मेरा बैकग्राउंड, लाइक टोमेटो अनियंस। Have a vegan kimchi here. I can. Fruit or vegetables के साथ थोड़ी बहुत accessories भी है और यहाँ पे direct planters भी है। ये तो बंजीरी है, मेरी मम्मा ये बहुत खाती है। और ये different types के plus. What do we call it? The leaf can eat. You can eat the leaf. We can eat the leaf. Yeah, leaf. Eat. And many Korean. This is Korean. Yeah, Korean. Okay. The people always. Okay. So basically, India में बंजीरी है जिसके हम seeds use करते हैं, and Korea में they used to eat the leaves. And we have eggs directly from the farm. जो van में लेके आए हैं. और इसका प्राइस कुछ इस तरह से होता है साइजेस के अकॉर्डिंगली। मुझे वो बंजीरी के पत्तों के बाद ये रियलाइज हुआ कि पूरे वर्ल्ड में एक जैसी ही चीजें यूज की जाती है, बट उसके इनटेक करने का तरीका भले। इवान कीप द ऑरेंज बैग, वन पोटेड बैग। अब हम पहुंच चुके हैं अपने प्याज और आलू। आलू कौन सा वाला? ये बोलो कौन सा वाला उठाऊं, ये और ये ग्रीन। बस यहाँ पे सब्जी उठाने के लिए कुछ ऐसे ऐसे बैग्स होते हैं, तो इट्स अच्छा है कि मूवेबल है, पोर्टेबल है, अच्छा लगा मुझे। और ये हम लास्ट अब ऑरेंजेस ले रहे हैं, वो तो हमारा है फ्रूट्स और सब्जी का कोटा फल। और इतने चल पड़े हैं घर की ओर, सो दैट्स इट फॉर द डे। और ये देखो बिना बैग के आए हैं संतरे हाथ में लेके। आई होप यू लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।